हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जनवासी। सॉरी, आज सोच रही हूँ माँ अभी तक मैक्सी में, क्योंकि अभी आज मैं पूजे पर रात भर बैठती हूँ, बहुत थक जाती हूँ। आज शनिवार भी है, थोड़ी सी तबीयत भी नरम हो जाती है, लेकिन क्या करें, लोगों का अभी लूना चमारी का वशीकरण का काम इतना आ गया है कि बैठने का भी फुर्सत नहीं है। कंटिन्यू पूजा चालू है, कंटिन्यू। सबसे पहली बात, आज हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का जन्मदिन है, मेरे भाई का जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई। भगवान करे आपकी उम्र 100 बरस से भी ऊपर हो, मेरी उम्र भी आपको लग जाए, आपकी सारे परेशानी मेरी, मेरी सारी अच्छाई आपकी। ये बहन आपको इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं दे सकते। हाँ, इतना बड़ा गिफ्ट तो जरूर दूंगी कि 5 अगस्त तक, आज है 27 तारीख, ये 5 अगस्त तक आपके सारे दुश्मनों को मैं ऊपर भेजने का गिफ्ट आपको ज़रूर दूंगी, कि जितने दुश्मनों ने आपका सर नीचा किया है, आपको हम आपका ही आपकी रोटी खा के आपसे नमक हरामी की है ना, ये बात का वादा है कि विद्या देवी उन सबको ऊपर भेजेगी। 5 तारीख को आपको खबर आएगी कि जिन्होंने आपकी इज्जत पे और आपके वर्चस्व पे आवाज़ उठाई है, उन सबको नीचा दिखाने के लिए विद्या देवी बैठी है, ये बात याद रखिएगा। और बाकी जो मारण मोहन वशीकरण चालू है, एक बात याद रखना कि हम YouTube वाले, सोशल मीडिया वाले, हमसे जो भिड़ने की लड़ने की कोशिश करता है, उसकी मैं हर जगह की हालत बिगाड़ देती हूँ। ये छोटे मोटे चीज़ें होने बहुत बड़ी बात है। अभी तो मारण क्रिया चालू है और 4 तारीख को है गटारी अमावस्या, बहुत बड़ी अमावस्या है। और तब से सबका श्रावण, दूसरा भी श्रावण तो चालू ही है, लेकिन कुछ लोगों की मौत का तांडव भी चालू है, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ बहुत बड़ा, क्योंकि मुझे अभी कुछ बातें ऐसी पता चली है कि अब मैंने ये बात याद सोच ली है कि कुछ लोगों को तो मुझे ऐसा सबक सिखाना है, एक दो औरतों को जिन्होंने जिन लोगों की वजह से बहुत सारी गलत फहमियाँ फैली है। एक बात याद रखना, बहुत सारी औरतों की इतनी गंदी आदत है कि अपने घर में बहुत अच्छा बनना चाहती हैं, शरीफ बनना चाहते हैं, हमने तो कुछ नहीं किया, सारी पोल खुलती है, सामने वाले अपना नंबर नहीं देते तो भी ज़बरदस्ती नंबर मांगना, लोगों से बात करना और अपने घर में अपने आप को शरीफ दिखाना, और जब उन पर पूछा जाए कि तुमने ऐसा क्यों किया तो ये बताना कि अरे नहीं मुझे तो बुरा लग गया था, आप लोगों को उल्टा बोलो तो मुझे बुरा लग गया था, ये सारी बातों का जवाब बताऊँगी। मेरी सबसे बड़ी गलती कैसी मालूम है, मैं कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा ही इज्जत दे देती हूँ, नहीं देनी चाहिए। उन सब की वजह से हमारे घर में हमारे बच्चों में सब में गलत फहमी पैदा हुई। ये बात याद रखना कि जिसने ये गलती की है, अगर मैंने उसका पूरा कहते ना घर नहीं छुड़वाया तो मेरा नाम विद्या देवी नहीं, मैं कोई किसी लायक नहीं छोड़ूंगी, ना मायके ना ससुराल ना एरिया में कहीं पे भी रहने की लायकी की नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा वादा है। जो तुमने गलती की है वो गलती की सज़ा मिलेगी। तुम लोगों को विद्या देवी का डर नहीं है? विद्या देवी का डर क्या होता है मैं बताती हूँ, मज़ा देखो मैं बताती हूँ। अगर मैंने तुम लोगों की हस्ती नहीं मिटाई ना तो विद्या देवी का नाम बदल देना, ये बात याद रखना, ठीक है? मैं क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब कोई मेरे दिमाग पे लगता है, ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी, ये सब सारी चीज़ें बाद में जब सामने तो बुरा लगता है। अब मैं जो करूँगी ना, अब बहुत बड़ा करूँगी, और जो इस काम में, इस गलत काम में तुम्हारा साथ देगा उसकी भी बराबर बैंड बजे की बात याद रखना। अब तुम्हारे का तुम कहते ना, तुम्हारी शरीर का पानी पानी मैं बाथरूम की जगह से निकालूंगी, जिस शरीर का घमंड है ना ऐसे ऐसे हो जाएंगे शरीर में, मतलब कहते ना एक बार इंसान देखेगा तो हड्डियों का ढांचा दिखेगा, सोच भी नहीं सकेगा कि ऐसा हाल हो गया था। अपनी तस्वीर देख देख के हैरान हो गए, पहले और अभी की, पहले हम क्या थे और अब क्या थे, पूरे शरीर की रौनक, पूरे शरीर का पानी अगर विद्या देवी ने नहीं बदला तो मेरा नाम बदल देना बस। ये जितनी अंदर की चर्बी है ना सब खींच के बाहर निकालूंगी। मैंने पहले ही कहा था, मेरे से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी अच्छी नहीं। सारे कुछ लोगों को ले जाके ही मैंने गलती किया है हर जगह पे, जब जब लेके गए ना तब तब हमारे खास खास लोग छूट गए, हमारे खास खास लोगों को से हमारा जो लड़ाई झगड़ा हो गया। ऐसे कुछ पनौती लोग हैं, खुद तो ज़िंदगी में सुखी रहते नहीं हैं, दूसरों को भी सुखी नहीं रहने देते, इतने बड़े मादरचोद होते हैं, इन लोगों की नस्ल ही वैसी है, और बाद में अपने परिवार के सामने सही बनते हैं, और इनके परिवार वाले महा चूतिया रहते हैं कि ऐसे लोगों की बातों में आते हैं, इन लोगों के अंदर दम नहीं रहता कि झापड़ मारने का, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आके उनकी बातें सुन के ऐसे हरकत करते हैं। 2 झापड़ कस के लगाना चाहिए कि साले तुम्हारी वजह से हमारा हर जगह से टूटा है, लेकिन नहीं, झूठ बोलना तो कोई इनसे सीखे, झूठ इनकी जबान पे, मतलब हड्डी में, कहते ना जीभ में हड्डी नहीं होती है, वो हरकत है इनकी, इनकी जीभ में हड्डी नहीं है। ये लोग है ना हमेशा झूठ बोल बोल के अपने आप को आगे करते हैं, सच बोलने की तो हिम्मत है नहीं, ज़िंदगी भर झूठी बोला है, ऐसी बात है। तो जो होगा ना वो बहुत बड़ा और बहुत गंदा होगा। इस बार मैंने कसम खाई है, अगर मैंने तुम्हारा हालत नहीं बिगाड़ा तो विद्या देवी का नाम बदल देना, ये बात रखना। आने वाले 1.25 महीने के अंदर मैं तुम्हारी हालत वो करूँगी कि जो इंसान तुम्हें देखेगा डर जाएगा कि अरे ये क्या हो गया,
ऐसी हालत कैसे हो गई तुम्हारी, ये बात होगी, क्योंकि तुम तो सच बोलने से रहे, तुम लोग तो सच बोलोगे नहीं, और मुझे झूठ पसंद नहीं है। अब मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ, ये देखना।